Hello student, today I bring a very interesting topic of business studies of class 12th for you. आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th का ले आए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है. द टॉपिक इज़ फाइनेंशियल मार्केट. लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. डियर स्टूडेंट, बेसिकली जो मार्केट होता है वहाँ पर बायर और सेलर दोनों एक साथ मिलते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं विद मनी. बट दिस मार्केट इज़ रिलेटेड विद द ट्रांसफ़र ऑफ फाइनेंस फ्रॉम द हैंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स टू द हैंड्स ऑफ बोरोवर्स. सो लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट. Financial market helps in transfer of fund from the hands of saver, that is called investors, or we can say household also, to the hands of borrower, that is called business sector, corporate sector. इस market के अंदर अगर आप देखेंगे तो financial market जो है वो fund को, surplus money को, जो household या इन्वेस्टर्स के पास है उनके पास से ट्रांसफ़र करता है ये मनी को, फंड को, बिजनेस सेक्टर की तरफ, जहाँ पर डिफरेंट सिक्योरिटीज़ की डीलिंग की जाती है. फाइनेंशियल मार्केट में डिफरेंट सिक्योरिटीज़ को कॉरपोरेट बॉडीज़ और बिजनेस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस सेल इन फाइनेंशियल मार्केट, विच इज़ परचेज्ड बाई द इन्वेस्टर्स, दैट इज़ हाउस होल्ड पर्सन हु हैव surplus money and want to invest their money into the different type of securities or business sectors. So it is the market where investors buy securities of corporate sectors and transfer their money towards the business sector with the help of financial market. This market is categorized into two parts, capital market and money market. Capital market long term securities को डील करता है एंड मनी मार्केट शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को डील कर सकता है. नाउ वी कैन से दैट कैपिटल मार्केट इज़ द सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस, वेयर एज मनी मार्केट इज़ द सोर्स ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंस. नाउ लेट अस डिस्कस द फाइनेंशियल सिस्टम. ये हमारा जो फाइनेंशियल मार्केट है वो और हमारा फाइनेंशियल सिस्टम किस तरीके से काम कर सकता है या करता है, तो आप ध्यान दीजिए. हाउस होल्ड सेक्टर्स को यहाँ पे दिखाया गया, सरप्लस यूनिट, बैंक्स एक तरफ और दूसरी तरफ डेफिसिट यूनिट के तौर पे बिजनेस फॉर्म को दिखाया गया है. और सेकंड वे जो है वो फाइनेंशियल मार्केट है. तो यहाँ पर हम डिस्कस करें तो हाउस होल्ड सेक्टर, दैट इज़ कॉल्ड इन्वेस्टर्स और सरप्लस यूनिट. द फर्स्ट वे इज़ टू ट्रांसफ़र मनी टूवर्ड्स द बिजनेस इज दैट इज़ हाउस होल्ड सरप्लस यूनिट transfer their money or deposit their money towards bank, and the another way is they can transfer their money to financial market. Now if we see the bank side financial system, to household se ye paisa aaya bank ke paas aur bank se gaya business firm ke paas, aur dusri taraf agar hum dekhe to household surplus unit se paisa financial market ki taraf aaya aur dusri taraf गया बिजनेस फॉर्म के पास. इस तरीके से हमारा ये फाइनेंशियल सिस्टम काम करता है. नाउ हाउस होल्ड से पैसा बैंक की तरफ और बैंक से यहाँ पर बिजनेस सेक्टर की तरफ, बिजनेस फॉर्म की तरफ, लोन के फॉर्म में. दूसरी तरफ इफ़ सरप्लस यूनिट डो नॉट वांट टू डिपॉजिट देयर मनी टू बैंक, देन दे कैन गो टूवर्ड्स फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल मार्केट में वो बिजनेस फॉर्म की सिक्योरिटीज़ को ख़रीदेंगे और उसके थ्रू इनके पैसे फाइनेंशियल सिस्टम में बिजनेस फॉर्म की तरफ पहुँचेंगे. तो ये हमारा फाइनेंशियल सिस्टम है जिसके थ्रू मनी का ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम सरप्लस यूनिट टू डेफिसिट यूनिट. इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं. यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल मार्केट में आता है और फाइनेंशियल मार्केट में डिफरेंट टाइप ऑफ सिक्योरिटीज़ को ख़रीदता है और उसके पैसे को बोरोवर्स की तरफ ट्रांसफ़र किया जाता है.
बॉरोअर्स जो होते हैं वो अपनी डिफरेंट सिक्योरिटीज़ को लेकर के फाइनेंशियल मार्केट में आते हैं, और इन्वेस्टर्स उन सिक्योरिटीज़ को ख़रीदता है जिसके थ्रू उसका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर होता है विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, और मनी का ट्रांसफ़र हो गया इन्वेस्टर्स टू बॉरोअर विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो इस तरीके से यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल सिस्टम में मनी को ट्रांसफ़र कराता है फ्रॉम इन्वेस्टर टू बॉरोअर। नाउ द नेक्स्ट इज़ फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। व्हाट टाइप ऑफ फंक्शन इज़ परफॉर्म बाय द फाइनेंशियल मार्केट, लेट अस डिस्कस वन बाय वन। द फर्स्ट इज़ मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज़। फाइनेंशियल मार्केट मनी को मोबिलाइज करता है जो सेविंग के तौर पे हाउस होल्ड यूनिट्स या इन्वेस्टर्स के पास है, उसको यहाँ से मोबिलाइज करता है और उसको चैनलाइज करता है इन प्रोडक्टिव यूजेस। बिकॉज द मनी इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू बॉरोवर, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस सेक्टर, एंड बिजनेस सेक्टर यूज दैट मनी इन द प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नाउ द सेकेंड इज़ फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। द प्राइस ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ आर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट ऑफ सिक्योरिटीज़। जो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो प्राइस डिस्कवरी करने का ये काम करता है वो किस तरीके से करता है, जो भी सिक्योरिटीज़ यहाँ पे बेची और ख़रीदी जाती हैं उनकी जो प्राइस होती है वो डिसाइड की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो इस डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर जो एग्जैक्ट प्राइस होनी चाहिए फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ की, उसको ये फिक्स करने में मदद करती हैं। द नेक्स्ट इज़ प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। जो भी फाइनेंशियल एसेट्स और सिक्योरिटी, शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, वट एवर सिक्योरिटीज़ आर सोल्ड बाई द कॉरपोरेट बॉडीज़ और बिजनेस सेक्टर इन द फाइनेंशियल मार्केट एंड परचेज्ड बाई द इन्वेस्टर्स, इफ़ इन्वेस्टर्स वॉन्ट मनी एनी टाइम दे कैन सेल देयर सिक्योरिटीज़ इन टू द फाइनेंशियल मार्केट। नाउ द थर्ड फंक्शन इज़ विच इज़ परफॉर्म बाई फाइनेंशियल मार्केट, इट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट। मीन्स इन्वेस्टर एनी टाइम कैन सेल देयर सिक्योरिटीज़ एंड गेट इट कन्वर्टेड इन टू कैश। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। फाइनेंशियल मार्केट ऑल्सो परफॉर्म द फंक्शन विच रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, बिकॉज इट प्रोवाइड वेरियस इंफॉर्मेशन टू द इन्वेस्टर्स रिलेटेड टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, related to the companies. So as a investors he need not to go anywhere to get the such information, because this information is readily available by the financial market. So it reduce the cost of transaction. Now student, you can see here the board examination question which is asked in 2016 on this topic which we discussed right now. स्टेट द फंक्शंस परफॉर्म बाई द फाइनेंशियल मार्केट, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2016 के बोर्ड एग्जामिनेशन में, और इसके आंसर को भी आप देख सकते हैं, अभी हमने इसको डिस्कस किया, और ये 4 मार्क्स में पूछा गया था। तो फाइनेंशियल मार्केट के फंक्शंस जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, इट मोबिलाइजेस सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव वेज, इट फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी, इट प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट, एंड इट helps to save the time, efforts and money, जो cost को reduce करता है। तो इस तरह के functions के बारे में question पूछा गया था 2016 में। Now financial market के types, or we can say that it has two segment. Financial market has two segment, money market and capital market, जैसा अभी हमने meaning के समय भी आपको बताया। Money market जो होता है ये short term securities को डील करता है, और दिस इज़ द मेन सोर्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, इट प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म फाइनेंस। जो भी सिक्योरिटीज़ यहाँ पर बेची जाती हैं उसकी मैक्सिमम जो मैच्योरिटी पीरियड होता है वो 1 ईयर होता है। तो मनी मार्केट जो एक ऐसा मार्केट है जो शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ को डील करता है, और ये वर्किंग कैपिटल का सोर्स ऑफ फाइनेंस है। दूसरी जो मार्केट है वो कैपिटल मार्केट है, ये लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ को डील करता है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है, जहाँ पर फिक्स कैपिटल के लिए कंपनीज़ अपनी सिक्योरिटीज़ को
सेल करती हैं. नाउ सम रिव्यू क्वेश्चन, व्हाट इज़ फाइनेंशियल मार्केट, ये क्वेश्चन आ सकता है. और इस साल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कई तरह के बदलाव किए गए हैं, जिसमें MCQ टाइप क्वेश्चन आने हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चंस आने हैं, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आने हैं. तो आपको डेफिनेशन अगर क्लियर है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर आसानी से दे सकते हैं. लिस्ट एनी टू इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. हु इज़ नोन एज सरप्लस यूनिट, हु इज़ नोन एज डेफिसिट यूनिट, हु क्रिएट लिंक बिटवीन सरप्लस यूनिट एंड डेफिसिट यूनिट, नेम द सेगमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. नाउ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. कीप वॉचिंग एंड प्रिपेयर सिंसियरली सो दैट यू कैन परफॉर्म वेरी वेल इन योर कमिंग एग्जामिनेशन. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू.